सो आज का हमारा जो क्वेश्चन ऑफ द डे था ये CSIR नेट जून 2016 का क्वेश्चन था, और बेसिकली ये क्वेश्चन जो है वो स्पीड टाइम डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन था। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन था और कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो देखिएगा, इट टेक्स 5 days फॉर ए स्टीम बोट टू ट्रैवल फ्रॉम द पॉइंट ए टू पॉइंट बी अलोंग ए रिवर। ठीक है, यहाँ पे आपको एक रिवर गिवन है, ठीक है, सपोज ये हमारा एक रिवर है और इस रिवर में दो पॉइंट्स हैं, यहाँ पे सपोज पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी फिक्स्ड होगा। सपोज करो हम लोग इनके बीच का डिस्टेंस डी ले लेते हैं, ठीक है, रिवर फ्लो में है, सो इसका मतलब रिवर का स्पीड भी हम लोग कुछ कंसिडर कर लेते हैं, सपोज वी कंसिडर कर लिया। सिमिलरली जो इसके अंदर बोट है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर जाएगा, सो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर जाएगा रिवर स्टीम बोट, तो उस केस में ये इस फ्लो के अलोंग जाएगा। सपोज हम लोग इस स्टीम बोट का स्पीड ले लेते हैं यू, सो डेफिनेटली आप ये बोल सकते हैं कि इस केस में जो नेट वेलोसिटी होगा वो यू प्लस बी होगा, ठीक है, और ये यू प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा, डी यानी डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम टेकन इन दिस जर्नी, और यहाँ पे आपको 5 days लगते हैं। सो ये मेरा इक्वेशन वन हो गया। सिमिलरली माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि रिवर का फ्लो वापस से वही आपको गिवन है, उसी डायरेक्शन में उसका फ्लो है, बट यहाँ पे अगेन पॉइंट ए है आपका, ये पॉइंट बी है, डिस्टेंस अगेन दोनों के बीच का सेम होने वाला है, फिर से वही स्टीम बोट है, लेकिन इस बार जो स्टीम बोट आपका आ रहा है ना वो कहाँ से आ रहा है, पॉइंट बी से आ रहा है, वापस रिटर्निंग जर्नी है यहाँ से। तो इसका मतलब आप ये स्पीड देखेंगे इसका तो वो यू है, लेकिन रिवर का जो फ्लो है ना वो वी इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ से आप यदि बोट का स्पीड यदि उससे ज़्यादा होगा रिवर के फ्लो से, तभी जाके ये बोट इसमें ट्रैवल कर पाएगा, जर्नी कर पाएगा। सो इसका मतलब हम ये मान के चल रहे हैं ये जर्नी हो रही है पॉसिबली। सो यू माइनस वी इसका नेट स्पीड होने वाला है विथ रेस्पेक्ट टू द फ्लो ऑफ द रिवर। अब यदि यहाँ पे यू माइनस वी निकाला जाए तो सेम डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना है, लेकिन उसको ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि इस बार रिवर के फ्लो की वजह से उसका स्पीड कम हो जाएगा। दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर टू। ये देखिएगा, अब मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, तो मैं दोनों इक्वेशंस को यदि सिंपली जो है माइनस कर दूँ, इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू कर दूँ, ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या मिलने वाला है मुझे, तो मुझे मिलेगा 2v = ये मेरा डी बाई फाइव होगा और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ डी बाई सेवन होगा, और इसको सॉल्व करिएगा आप तो 2d/35 होने वाला है आफ्टर टेकिंग एलसीएम। सो यहाँ से आप देखेंगे कि v आपका डायरेक्टली हो जाएगा d/35, बट हमें बताना क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सो हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर ए राफ्ट टू ड्रिफ्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ठीक है, सो हमें ड्रिफ्टिंग करनी है वहाँ पे, इसका मतलब ये हो गया कि उस केस में केवल जो है वो रिवर का फ्लो होगा, खुद का उसका बोट का स्पीड कुछ भी नहीं होगा, उसे ही हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्टिंग। सो यहाँ पे आप देखिएगा ड्रिफ्टिंग यदि यहाँ पे बोल रहा है वो, तो उस केस में ड्रिफ्ट में उसको कितना टाइम लगने वाला है, सो टाइम टेकन इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर स्पीड ऑफ द रिवर, स्पीड ऑफ द रिवर। सो यहाँ पे स्पीड ऑफ द रिवर आप केवल वी यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, सो वी यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर कितना होने वाला है, डी ओवर, और यहाँ पे हो जाएगा d/35, क्योंकि वी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। सो फाइनली कितने डेज वहाँ पे लगने वाले हैं, 35 days लगने वाले हैं यदि उसका बोट का खुद का स्पीड कुछ भी नहीं है, खुद का स्पीड कुछ भी नहीं है, इट मीन्स उसका इंजन जो है वो न्यूट्रल है, तो उस केस में वो ड्रिफ्टिंग होगी, रिवर्स जैसे फ्लो कर रहा है वो उसके अलोंग ही उसको लेके जाएगा, तो उसको कितने डेज लगने वाले हैं, 35 days लगने वाले हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन था CSIR नेट जून 2016 का, एंड दिस वाज द क्वेश्चन फ्रॉम स्पीड टाइम एंड डिस्टेंसेस। सो स्टूडेंट्स अभी जो है वो अनअकैडमी पे मेरी डेली क्लासेस हो रही है 9 AM पर, ठीक है, जिसमें हम लोग कंप्लीट जनरल एप्टीट्यूड करने वाले हैं। आज के सेशन में हम लोग जो है वो हम लोगों ने क्लॉक प्रॉब्लम्स कंप्लीट किया है, और अपकमिंग सेशन में हम लोग कैलेंडर प्रॉब्लम्स की बहुत शानदार अच्छी ट्रिक्स कवर करने वाले हैं। सो आप मेरे सेशन में मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं डेली 9 AM पर। ओके, सो थैंक यू सो मच।